गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मॉरल वैल्यू में चैप्टर नंबर 3, ऑलवेज बी ऑनेस्ट। इसके हम करेंगे फिलअप्स, ट्रू फॉल्स एंड क्वेश्चन आंसर्स, जो वर्क हमें नोटबुक में करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फिलअप्स, जॉन्स ड्रीम दैट हिज सिबलिंग वर डैश हिज फिट। जॉन को ड्रीम आया कि उसके जो सिबलिंग्स थे, जो उसके कजन्स थे, वो डैश हिज फिट, मतलब उसके फिट्स को टच कर रहे थे। तो ब्लैंक में हम लिख देंगे टचिंग। जॉन सिबलिंग बिकेम डैश बाय हियरिंग टू हिज ड्रीम। जॉन के सिबलिंग को डैश सुन के क्या सुन के गुस्सा आया, सॉरी, जॉन्स के सिबलिंग को By hearing his dream, उसका dream सुन के क्या आया, गुस्सा। So we will write here angry. His sibling sold him as a, उसके siblings ने उसको बेच दिया dash to the dash of मुल्तान। क्या बना के बेचा, slave, एक गुलाम बना के बेचा to the emperor of the मुल्तान, मुल्तान के emperors को। True false, John had 5 siblings, yes true, John won the heart of the Emperor, true. The emperor was not happy with John, false. What was the answer to the following questions? What was the nature of John? John ka nature kaisa tha? The nature of John was gentle and honest. John bada hi gentleman tha aur ek honest person tha, bahut imandar aadmi tha. With whom was John living? John kiske saath reh raha? John was living with emperor of Multan. John मुल्तान के एम्परर के साथ रहता था। वट वॉज द नेचर ऑफ जॉन सिबलिंग्स, जॉन के सिबलिंग्स का क्या नेचर था, जॉन सिबलिंग आर जेलस इन नेचर, उनका नेचर जेलसी था, मतलब वो जेलस रहते थे। वट कॉन्स्पिरेंसी डिड जॉन सिबलिंग, वट कॉन्स्पिरेंसी डिड जॉन सिबलिंग प्लॉट, जॉन के सिबलिंग्स ने क्या कॉन्स्पिरेंसी प्लॉट की, कि वो क्या सोचा उन्होंने, जॉन के सिबलिंग ने, जॉन सिबलिंग सोल्ड जॉन टू अ वेरी रिच मैन, उनकी एक प्लान था, उन्होंने क्या किया, जॉन को एक रिच आदमी को बेच दिया। ये क्वेश्चन आंसर्स और ये ट्रू फॉल्स और फिलअप्स आपको आपकी नोटबुक में करनी है। ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू।